डियर स्टूडेंट, आज हम एक खाने वाली रोकड़ वही बनाना सीखेंगे। तो रोकड़ वही तीन प्रकार से बनाई जाती है। नंबर एक, एक खाने वाली रोकड़ वही। नंबर दो, दो खाने वाली रोकड़ वही। नंबर तीन, तीन खाने वाली रोकड़। तो रोकड़ वही है तीन प्रकार से बनाई जाती है, एक खाने वाली, दो खाने वाली और तीन खाने वाली। तो आज हम सबसे वन नंबर पहले ही वाली एक खाने वाली रोकड़ वही बनाना सीखें। एक खाने वाली रोकड़ वही के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम ये समझते हैं रोकड़ वही होती क्या है। तो रोकड़ वही हमारे व्यापारिक संस्थान में रोकड़ के जो लेन देन होते हैं, तो समस्त व्यापारिक कैश वाले जो रोकड़ के लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देनों के लिए एक रोकड़ पुस्तक में उन्हें एंटर कर लिया जाता है। जो एंट्री डेबिट में की जाती है उसमें रोकड़ प्राप्त वाली एंट्रियों को लिखा जाता है, जो एंट्री क्रेडिट में लिखी जाती हैं उन्हें रोकड़ भुगतान वाली एंट्रियों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार रोकड़ वही के माध्यम से हम व्यापार के नगद वाले लेन देनों को रोकड़ वही में लिखते हैं। तो ये हमारी रोकड़ वही होती है। अब आगे हम देख रहे हैं रोकड़ वही किस प्रकार से बनाते हैं। एक सवाल देख रहे हैं, हम सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में दिया है, निम्नलिखित विवरणों से बाके लाल की एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक तैयार करें। 2016 फरवरी 1 रोकड़ हाथ में 172 रुपये, शिवचरण से पाया 2500 रुपये, रणजीत को दिया 1500 रुपये, नगद बिक्री की 600 रुपये, नगद माल खरीदा 500 रुपये, ब्याज पाया 150 रुपये, मजदूरी दी 500 रुपये, के बाद नगद विक्रय किया 800 रुपये, दान में दिए 201 रुपये और वेतन दिया 700 रुपये। तो हम निम्न विवरणों के आधार पर रोकड़ वही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोकड़ वही में कितने कॉलम बनाए जाते हैं। तो जो हमारी एक खाने वाली रोकड़ वही होती है उसमें 10 कॉलम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं। कैश बुक, सबसे पहले कॉलम देखते हैं हम दस कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे पहले पहले कॉलम का नाम है डेट, दूसरा पार्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, अमाउंट DR, डेट पार्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, अमाउंट, इस प्रकार के कॉलम बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले रोकड़ हाथ में, जो भी रोकड़ हाथ है डेबिट बैलेंस होता है, तो जो भी बैलेंस कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस DB। टू बैलेंस DB 172 रुपए लिखेंगे, 172। और 2016 फरवरी
एक से स्टार्ट करना है डेट लिए, इस डेट में हम अपना रोकड़ का बैलेंस जो भी है उसे हम शो ऑफ करेंगे, तो उसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी यानी ब्रॉट डाउन, यानी पिछला भी जो रोकड़ शेष है वो हम आगे लाए हैं, इसीलिए हम बीडी लिखते हैं। जब हम आगे ले जाते हैं तो उसे सीडी लिखते हैं। सिर्फ चरण से पाया, पाया यहाँ पे सारे रिसीप्ट आते हैं डेबिट में, इस साइड सारे पेमेंट्स लिखे जाते हैं। पाया यानी रिसीप्ट है, जब रिसीप्ट है तो डेबिट में लिखेंगे टू सिर्फ चरण, सिर्फ चरण, टू सिर्फ चरण। दो फरवरी, फरवरी दो को हम सिर्फ चरण को 2500 रुपए मिले हैं, 2500 रुपए लिख देंगे डेबिट। इतना लिखने के बाद फिर वो कह रहे रंजीत को दिए, यानी गए 7 तारीख को गए तो पेमेंट 2016 फरवरी 7 वाई रंजीत, रंजीत को दिए तो रंजीत में आएगा 1500 रुपए। इस प्रकार से हम लेखा करेंगे। इसके बाद नगद बिक्री की पैसे आए तो सेल्स अकाउंट पैसे आए तो रिसीप्ट में, पैसे गए तो पेमेंट में, सेल्स अकाउंट 600 12 तारीख। इस प्रकार से टू सेल्स अकाउंट 15 तारीख नगद खरीदा, पाया पैसे गए पेमेंट, माल खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे तो पेमेंट चाहिए लिखेंगे, पाया परचेज परचेजेज अकाउंट 15 तारीख में नगद खरीदा, 15 फरवरी नगद खरीदा 500 रुपए, 500 लिखेंगे अमाउंट में। आगे देखते हैं 20 को ब्याज पाया, ब्याज पाया यानी पैसे आए इंटरेस्ट, तारीख को ब्याज पाया 150 रुपए। मजदूरी दी पैसे गए 25 तारीख में, बाय वेजेस अकाउंट पैसे गए, पैसे गए पेमेंट में 500 रुपए। इसके बाद नगद विक्रय किया 800 रुपए 26 तारीख में, विक्रय किया तो पैसे आए, आए सेल्स अकाउंट 26 तारीख में 800 रुपए, 27 तारीख में दान दिया बाय डोनेशन 201, ऐसे है पेमेंट साइड। वेतन दिया फिर पैसे दे गए 28 तारीख में, सैलरी 700 रुपए। इस प्रकार से हम जो समस्त व्यापारिक सौदे हैं जो कैश में रिसीव हुआ है डेबिट में लिखेंगे, जो कैश पेमेंट हुआ है क्रेडिट में लिखेंगे, और इस प्रकार लिखने को हम इसे कैश बुक में जब लिखते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम टोटल करेंगे, यहाँ टोटल किया जाएगा 25, 6, 31, 32, 32 और 8, 40, 40 और 41, 42 टोटल हुआ 42।
और 4222 को हम यहाँ से रेवेन्यू लिखेंगे, 4222 बैलेंस शीट। जब आंसर निकालते हैं तो उसे सीधी लिखा जाता है, तो आंसर निकालते तो उसे सीधी लिखा जाता है। तो 15 5 20 5 25 25 5 30 3401 और 4222 4222 3401 बताएंगे तो 21 बचेगी, 821 रुपये बचेंगे। तो आज का आंसर आ जाएगा 821 रुपये, बाय बैलेंस में आ जाएगा 821 रुपये। इसे अगले महीने यहाँ पे लिखेंगे 2016 एक फरवरी से तो 1 मार्च को बैलेंस बीडी लिख देंगे और ये आ जाएगा 821 रुपये। तो इस प्रकार से ये हमारी कैश बुक बनके तैयार हो गई है। इसमें कोई डाउट हो तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।